अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। आगामी 27 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट मास्टर्स एथलेटिक्स टूर्नामेंट होने जा रहा है। इसका आयोजन ग्लोबल सोशल कनेक्ट और मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने मिलकर किया है। इस प्रतियोगिता में 35 वर्ष से ऊपर की आयु वाली महिला और पुरुष ही भाग लेंगे। ये प्रतियोगिता ट्रैक फील्ड और दौड़ की श्रेणी में होगी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य इस बार बच्चों को जागरूक ना करके वरिष्ठ जनों को स्वास्थ्य और खेलों से जोड़ने का प्रयास करना है। और इसमें सिर्फ मेरठ से ही नहीं बल्कि मोदीनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्रों से 35 साल से ऊपर की महिला और पुरुष भाग ले रहे हैं। देखिए, इस प्रतियोगिता के बारे में ग्लोबल सोशल कनेक्ट के अध्यक्ष ऋचा सिंह ने हमारे पत्रकार नीलोफर अंसारी को क्या विशेष जानकारी दी है। टूर्नामेंट होने जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका, क्यों, और ये 35 साल से 100 साल के लोगों के बीच ही क्यों? मैम, ये टूर्नामेंट 27 नवंबर को हो रहा है, संडे है। संडे इसलिए रखा है कि ज़्यादातर लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये पहली बार शायद कोई NGO इसका आयोजन कर रहा है और हम अकेले नहीं कर रहे हैं, शायद अकेले कर भी नहीं पाते। इसको मास्टर्स एथलेटिक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जॉइंट वेंचर में हमारी संस्था ग्लोबल सोशल कनेक्ट ऑर्गेनाइज कर रही है। इसमें क्योंकि ये वेटरन्स के लिए है तो 35 साल से 100 साल के बीच जो लोग आते हैं, महिला या पुरुष, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी तक कुछ ये रिकॉर्ड रहा है कि इस वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का मौका शायद नहीं मिल पाया, तो फिर हमने ये विचार किया कि हम इसमें जितना भी कर सकते हैं सहयोग करें और मेरठ जिले से जितने लोग इसके माध्यम से आगे आ सकें फिर उन्हें स्टेट लेवल पे चांस मिलेगा। अच्छा, तो मेरठ जिले में ऐसी प्रतियोगिता पहले भी हुई? 35 से 100 साल के बीच के जो लोग होते हैं उनमें कभी ऐसा हुआ है इस तरह की प्रतियोगिता, या पहली बार आप करा रहे हैं? ऐसी प्रतियोगिता किसी NGO ने तो नहीं कराई है। एसोसिएशन शायद करवाता रहा हो, लेकिन उसकी इतना कुछ ऐसा पब्लिसिटी या कुछ नहीं हुई कि लोगों को पता हो, उसकी जागरूकता नहीं है लोगों के पास। तो शायद हमें जो रिस्पॉन्स मिला उसके अकॉर्डिंग तो लोगों को लग रहा है कि पहली बार ही कुछ ऐसा हो रहा है। अच्छा, कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें हमारी उम्मीद है 150 से 200 लोग पार्टिसिपेट करें। हो सकता है ये गिनती ज़्यादा भी हो सकती है। इतने मिनिमम हमारे पास इंक्वायरीज आई हैं, खाली मेरठ जिले से ही नहीं आई हैं, उससे बाहर से भी आई हैं, यानी कि दिल्ली तक लोग इच्छुक हैं कि हम यहाँ से शायद हमें एक मौका मिल जाए। तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद मेरठ ही नहीं, आसपास के शहरों या जिलों में भी शायद ये मौका नहीं मिल पाए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन किस तरह से कराया जा रहा है इसमें? रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के थ्रू है। इसमें हमने 100 रुपये एंट्री फीस रखी है, लेकिन वो भी मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई गांव का है या कोई नहीं दे सकता है तो हम उसके लिए एंट्री फीस बिल्कुल फ्री रखेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, लोगों को आगे बढ़ाना। अच्छा, विनर को क्या मिलेगा? विनर को इसमें मेडल्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, और जो भी विनर होंगे उन्हें स्टेट लेवल पे खेलने का मौका मिलेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यही पोजीशन रहेगी या सिर्फ फर्स्ट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हर वर्ग में, यानी कि इसमें 5-5 एज ग्रुप होते हैं, जैसे 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, ऐसे ही 100 तक चलेंगे, महिला में भी पुरुष में भी। तो लगभग 500 के आसपास मेडल्स इसमें लोगों को जाएंगे। आपको लगता है मेरठ जिले से जीत कराएंगे? देखिए, मैं हमेशा सकारात्मक सोच रखती हूँ, तो अभी तक इससे पहले भी मैंने फीलिंग आ रही है, मैं जानना चाहती हूँ। वाकई में बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। लगभग 15 से 20 दिन लगातार दिन रात हमारी टीम इस पे काम कर रही है। अच्छा, कितने लोगों की टीम है आपकी? हमारी लगभग 20 से 25 लोग लगातार काम कर रहे हैं, और हमारी ही टीम नहीं, संस्था की, जो जिले की मास्टर्स एथलेटिक एसोसिएशन है, उनके अध्यक्ष हैं रविंदर जी, उनका लगातार सपोर्ट मिल रहा है। उनके साथ हम चल के आसपास के गाँव में भी हमने प्रचार किया है, वहाँ पे हमें अनाउंसमेंट भी करवाई है, तो हमें उस चीज़ से भी जो गांव के प्रधान हैं उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। आज भी सुबह एक प्रधान का फोन आया। इट मींस गांव से भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, गांव से हमें ज़्यादा उम्मीद है लोगों के आने की। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नव युगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा, गढ़ रोड, मेरठ।